सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई GTA 6 के बारे में कि GTA 6 को आने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है और भाई 4 GTA 6 लॉन्च होगा तो उसमें क्या कुछ नया अपडेट आएगा, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की हम इस वीडियो में। गाइस GTA 5 वन ऑफ द बेस्ट गेम है GTA सीरीज में अभी तक जो लॉन्च हुए हैं, और भाई GTA 5 इतना ज़्यादा अच्छा गेम है भाई जो अपने ही रिकॉर्ड्स बार बार तोड़ रहा है। तो GTA 6 के लेट होने के पीछे भी रीज़न है GTA 5, क्योंकि भाई ये गेम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो एक बहुत अच्छा गेम है, उससे अच्छा गेम बना कर देना सच में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो आप सोच सकते हो रॉकस्टार कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर GTA 6 5 गेम बुरा निकलता है तो भाई सोच सकते हो उनकी कंपनी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और भाई आगे चलकर लोग GTA सीरीज के काफ़ी सारे गेम ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं भी खरीदें, तो ये जो गेम है वो पूरी कंपनी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो भाई वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो टाइम लेकर इस गेम को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए गाइस GTA 5 की वजह से ही और ज़्यादा रिस्क ना लेने की वजह से ही भाई GTA 6 को इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा है, और अब जो GTA 6 नया आएगा उसमें सबसे अच्छी चीज़ होगी वो है भाई AI। GTA 6 का AI कहीं ज़्यादा बेहतर होगा GTA 5 के AI के मुकाबले। इसमें भाई आपको पुलिस है वो थोड़ी एडवांस देखने के लिए मिलेगी। पुलिस आपको जैसे कि आप रॉबरी करते हो या कुछ गलत काम करते हो तो आपको सीधा नहीं पकड़ेगी, वो आपको एक मौका देगी कि आप सरेंडर कर सकते हो। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो भाई पुलिस आपके ऊपर गोली चलाएगी, और अभी जो AI आएगा उसमें एम है उसको परफेक्ट किया जाएगा। और जो है नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो है भाई गेम के ग्राफिक। भाई GTA 5 के ग्राफिक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स के ग्राफिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं आज भी, लेकिन भाई GTA 6 के ग्राफिक GTA 5 के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो है गाइस GTA 6 का मैप। भाई GTA 5 का मैप भाई बहुत बड़ा है, लेकिन GTA 6 का मैप उससे लगभग तिगुना बड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई रियलिटी में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो गेम में भी लगभग हमें उतना ही टाइम लगने वाला है। और भाई ये सच में एक रियलिस्टिक गेम होने वाला है GTA 6, और इसमें सबसे जो नई चीज़ मुझे देखने के लिए मिलने वाली है वो लीक्स में निकल कर आया है कि भाई जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भाई ओनर के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि अगर आपके ओनर ने गाड़ी को अच्छे से संभाल कर रखा है तो आप अगर उससे गाड़ी लेते हो तो उसकी हैंडलिंग उसकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उसके पहले वाले ओनर ने उस गाड़ी को अगर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, उसे बार बार रिपेयर कराया गया है, तो उसकी हैंडलिंग काफ़ी बेकार होगी, वो बार बार एक्सीडेंट हो सकता है और बार बार स्लिप होगी वो गाड़ी रोड से। तो ये उसके हैंडलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप किसी से गाड़ी छीनोगे तो उसने गाड़ी अच्छे से रखी होगी तो आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से हैंडलिंग कर पाओगे, लेकिन किसी ने गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ठोकी है बार बार उसे रिपेयर करा गया है तो उस गाड़ी की हैंडलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। और भाई ये सच में एक न्यू चीज़ होने वाली है गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ अभी तक लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी ड्राइविंग के मामले में। सो ये ड्राइविंग से रिलेटेड एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है गेम के अंदर। और भाई तो लास्ट चीज़ जो मुझे चाहिए भाई GTA गेम्स के अंदर वो है भाई स्टोरी। भाई गेम की स्टोरी है वो भाई मुझे GTA 5 से भी बड़ी चाहिए भाई, क्योंकि GTA 5 की स्टोरी भाई आप अगर ठीक से खेलो तो आप एक हफ्ते के अंदर ही पूरा गेम ख़त्म कर सकते हो, तो मुझे तो कम से कम भाई 2 महीने तक भाई कुछ ऐसी स्टोरी चाहिए जो कंटिन्यू चल सके। तो कम से कम इतनी बड़ी स्टोरी तो होनी चाहिए GTA 6 की, क्योंकि भाई GTA 6 भाई एक वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाला है रॉकस्टार कंपनी का, तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई गेम है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ग्राफिक्स और उसकी स्टोरी के ऊपर और उसके गेम प्ले के ऊपर। ये तीन चीज़ें भाई गेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बुरा बना सकती हैं, और स्टोरी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेन जो रोल है वो प्ले करती है। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको GTA 6 के बारे में कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको कुछ GTA 6 के बारे में नई चीज़ें पता चलती हैं या आप GTA 6 के बारे में कुछ हमें बताना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब